दोस्तों, जैसे आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जैसे ही आपको कुछ खाना खराब खा लिया तो आपको पेट में गड़बड़ होगी, बुखार हो जाएगा। जैसे आयुर्वेदिक मानता है कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, तो आपके इंजन में गर्मी गड़बड़ हो गई है कहीं और, तो आपको वो गड़बड़ी दिखाई दे रही है। इसी तरह से जब आप मन से शुद्ध हैं, आप स्पिरिचुअली सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं, और फिर जो आपको महसूस होगा, आपकी इंट्यूशन होगी, वो 101% सच होगी। आपको फ़र्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दुनिया में बेटा झूठ बोलते हैं, दुनिया के साथ फ्रेम करते हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी झूठ होगी। क्योंकि ये सीधा साधा सौदा है कि आप जितना अपने आप के साथ प्यार करते हो, जितना अपने आप के साथ सच बोलते हो, उतनी ही शक्तियाँ आपके अंतर में बिल्कुल विकास करती जाती हैं। आप देखो, कोई व्यक्ति चोरी करता है और आधे घंटे में वो व्यक्ति चोरी करके चला जाता है, उस आधे घंटे में घर का कोई आदमी नहीं जगता, उसकी कितनी हिम्मत है? उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा, मर भी सकता हूं। उसको पता होता है कि ऐसा कुछ गलत हो गया, मैं जेल में भी जाऊंगा। वो कितना ध्यान करता होगा उस टाइम पे, कितना मेडिटेट करता होगा कि उसी टाइम में वो चला गया। अगर वही व्यक्ति संत हो जाए, वो व्यक्ति किसी की खोज करने लगे किसी सब्जेक्ट में, वो व्यक्ति किसी साधना में लग जाए, तो व्यक्ति कमाल का होगा, क्योंकि रिस्क लेना जानता है। क्योंकि जब तक हम किसी बात में रिस्क नहीं लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर और दूसरी बात कि हमें सिंसियर होना पड़ता है उस बात के लिए। तो इंट्यूशन सब में होती है, पर हमें सबसे पहले अपने आप के साथ सत्य होना चाहिए, सच होना चाहिए। अपने आप के साथ सच हो गए, फिर दूसरों के साथ सच बोलना चाहिए। दूसरों के साथ सब सच बोलना शुरू कर दिया, अपने आप अंतर से प्यार आता है।